सो हेलो गाइस, तो आज का ये ब्लॉग हम कहीं जा रहा है इटानगर की ओर। जस्ट कहाँ जा रहे हैं आप लोग नहीं बढ़ेगा, पहुंच के बढ़ेगा। तो आज मेरा साथ जुड़ा है कोई, मैं दिखा देता हूँ। हाय हेलो मिस्टर, इसको हर कोई जानता होगा, नमूना और नेचुरल का सबसे नमूना आदमी लोकल अचार है ना, ईटिंग लाइक ये फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग में आ रहा होगा, कभी नहीं आया। हम दोनों पहले ब्लॉग कर चुका था, तो अभी ब्लॉग कर रहा है फर्स्ट टाइम। अभी अनब्लॉग भी कर दिया, अभी अनब्लॉग किया इसलिए ब्लॉग कर रहा है। ओके, और ये हमारा ड्राइवर सर, ड्राइवर सर कुछ बताओ। हेलो, हम लोग तीर भाई, तीर भाई कहीं इवेंट में जा रहा है, तो नहीं बताएगा अभी तक। आप लोग पहुंच गया, आप लोग भी बताएगा। सिगरेट नहीं। और ये मेरा साथ है हीरो नंबर वन कैमरामैन, और चैनल का नाम ये हीरो नंबर वन, अच्छा का कैमरामैन है बोलते हैं, और ये माइक बोलते हैं। आजकल फोन का साथ माइक है तो कोई भी न्यूज रिपोर्टर बन सकता है, सही है ना? यस, कुछ भी ना, दिस इज डेमोक्रेसी कंट्री। ओके, इंडिया है तो जो भी हो। हाँ ठीक है, चलो तो गाइस लोकेशन में मिलते हैं, तो वीडियो स्क्रीन पर देखते रहना। फाइनली ये चीफ गेस्ट आ गया है, एमएलए सर आने दो। आप देख सकते हैं एमएलए सर के साथ में है, पब्लिक लगा लो, हालाल कासो के साथ, और आज है एच रामन स्पोर्ट एरिना का ओपनिंग है, तो यम फुटसेल भी होगा, उसके बाद वॉलीबॉल भी होगा, दोनों दो ग्राउंड आज एक साथ ओपनिंग हो रहा है। तो लोकेशन मालूम हो गया है, युग फोर्कस में है, तो आगे हमें ये फुटसेल खेल सकते हैं, वॉलीबॉल कॉम्पिटिशन कर सकते हैं। ओके गाइस, तो देखते हैं। हाँ दो काग दो, और हाँ जी बोंगम, यहाँ में जितने भी ऑडियंस आया है सब लोग आप देख सकते हैं, बहुत सारे आए हैं यहाँ में आज ग्रैंड ओपनिंग में। कई सारे काम करते हैं, बहुत यंग है, और हमारा ओपनिंग हो गया है पिक्सल जो। हमारे जो आज के मुख्य इस फील का जो ओनर्स है, जो मालिक है, मालिक और मालकी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आप सभी का साथ, आपका फैमिली, आपका माँ पिताजी होगा, भाई बहने होगा, मामा युवा बोस्को युवा बोस्को जो साथ में बैठा ना आप बोले बहुत अच्छा है, दूर जाना नहीं पड़ेगा। तो जो गेट के सामने में है फुटबॉल फुटसेल और वॉलीबॉल ग्राउंड दोनों एक साथ खुला है, बहुत अच्छा है। उसके बाद ये मैं बहुत दिन से आपको देखा है, लेकिन सामने में मिला नहीं है। आपको भी हम बहुत दिखते हैं,
लेकिन आज एकदम आमने सामने से देखा है, लेकिन आपका कटिंग उतिंग भी देखने से कैसे कैसे लगता है, मजा हाँ, लेकिन यंग जनरेशन का लिए कम से कम एक पहचान तो बना हाँ, और आगे इसी तरह की काम करते रहो। ओके, और जो आने वाला यंग जनरेशन है आपसे भी काफी लोग सीखेगा और काफी लोग सीख के आगे बढ़ेगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच। रामन जो स्पोर्ट एरिना का जो आपको कहा जो उसे आप कुछ मैसेज देने से ठीक है। जी मैं वैसे तो ये एच रामन स्पोर्ट्स एरिना ये मेरी फैमिली का है, मेरा बहन का है, बट मुझे भी इनवाइट किया इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और जैसे आपने सवाल किया स्पोर्ट्स को लेके, स्पोर्ट्स आज के समय में स्पोर्ट्स बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन में, क्योंकि आप चाहे जिस तरीके मतलब जितनी भी आप प्रॉपर्टी बना लो, पैसा बना लो, एंड ऑफ द डे आपका हेल्थ अगर सही नहीं रहेगा आपका वो वेल्थ का कुछ काम नहीं आएगा। तो इसीलिए आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे जितना यंग स्टार है, आप ड्रग्स वगैरह जो आप समाज में कई प्रकार से जो ड्रग्स आते हैं हर प्रकार से उसको आप छोड़ने की कोशिश कीजिए और स्पोर्ट्स से आप जुड़िए। स्पोर्ट्स अगर आप खेलेंगे उसमें बहुत सारे आपका फिजिकल जो एक्सरसाइज आप करेंगे उसमें बहुत सारा आपका बीमार से भी आप बच सकते हैं, तो इसलिए स्पोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा अच्छा, तो इस मेरा साथ है फिलहाल अच्छी यहाँ का जो एक्चुअल मालिक है यहाँ का ये फुटसल का, तो इसे मैं जानने की कोशिश करेगा कि यहाँ का पर हावर्स कितना लेता है और इस एक्चुअली इसका डिटेल क्या है उसे जानने के लिए कोशिश करेगा। तो अच्छी यहाँ का पर हावर्स कितना लेता है और टाइमिंग समय का टाइमिंग क्या होगा आप थोड़ा बता दीजिए। ओके, यहाँ में ऐसे है बुकिंग स्टार्टिंग शाम का 3 बजे से होगा, उसके बाद रात का 11 बजे तक खेलेगा, तो उसका बाद ही बंद होगा। उसके बाद रेट है हमारा यहाँ में 2 ग्राउंड बनाया है, 2 ग्राउंड फुटबॉल और वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल का रेट ऐसा है कि दूसरा लोग पर मैच लेता है, हमारा यहाँ में घंटा लेता है, घंटा पर घंटा का 400 है वॉलीबॉल का। उसके बाद फुटबॉल का 1000 है, वही है वॉलीबॉल फुटबॉल का 1000 वॉलीबॉल का 400 ना। तो अच्छा, ड्रग्स को छोड़िए स्पोर्ट्स में ध्यान दीजिए, आपका फिटनेस रहेगा तो सब कुछ हर कहीं में आप कहीं इवन कहीं पार्टिसिपेट में आप कर सकते हैं। आपका बदन में फिटनेस नहीं रहेगा तो कभी कहीं में आप अटेंड या फिर खेल दौड़ बिल्कुल नहीं कर सकेगा, इसलिए ड्रग्स को छोड़िए स्पोर्ट्स में ध्यान दीजिए।